Hey guys, what's up? So, college life हमारे life का सबसे important phase होता है, क्योंकि college life से ही बहुतों को उनका life partner मिलता है। College life से ही आपके career के नए नए opportunities खुलेगी। College में आपके नए नए दोस्त बनेंगे, और वही दोस्त क्या पता future में आपके business partner बने। इसलिए आपको अपने college life में standard, attractive और stylish दिखना बहुत जरूरी। इसलिए आज मैं आपको 8 college fashion hacks बताऊंगा, जिसे follow करके आप अपने college के stud बन सकते हो। So, पहला college fashion hack है, ढेर सारे कपड़े या जो मन में आए वो कपड़े मत खरीदना। देखो, कॉलेज लाइफ में हमारे पास उतने पैसे नहीं होते, हमें अपने घर से ही पैसा लेना होता है, जिसके वजह से हमारा बजट बहुत ही कम होता है। इसीलिए आपको अपने कॉलेज लाइफ में सोच समझ के पैसे खर्च करना चाहिए। आपको सोच समझ के उस टाइप के कपड़े खरीदने चाहिए जिससे आप डिफरेंट डिफरेंट आउटफिट्स कर सको, जिसे आप रिपीट करके पहन सको। एग्जांपल के लिए सपोज करो आपके पास 2000 का बजट है, और आपने बिना सोचे समझे उस 2000 का H&M में जाकर एक ओवरसाइज्ड शर्ट खरीद लिया, क्योंकि अभी ओवरसाइज्ड कपड़ों का ट्रेंड चल रहा है इसीलिए। बट आप खुद ही सोचो, आप उस एक शर्ट से कितने आउटफिट कर सको, मैक्सिमम एक या दो। बट डू यू नो, उसी 2000 के बजट में आप रोस्टर एंड मास्टर एंड हर्बर जैसी वेल नोन ब्रांड की एक शर्ट, दो जींस, दो टी-शर्ट आ जाएगी, जिसके साथ आप इजीली 4-5 आउटफिट कर सकते हो। इसीलिए अगर आपका बजट कम है तो महंगे ब्रांड्स और ट्रेंड, इन दोनों के पीछे मत भागना। हाँ, जब आपके पास बहुत सारा पैसा आ जाए तब आप महंगे ब्रांड्स एंड ट्रेंडिंग वाले कपड़े पहनना, कौन रोका है आपको। बट जब आपका बजट कम हो, जो कॉलेज में मैक्सिमम होता है, तो सबसे पहले आप बेसिक्स एंड एसेंशियल्स कपड़े खरीदना। दूसरा हैक है, कॉलेज में फॉर्मल्स कपड़े पहन के मत जाना। अगर आप LLB या MBBS जैसा कोर्स कर रहे हो तो ठीक है, क्योंकि इन सब कोर्सेज में फॉर्मल्स कपड़े पहन के जाना मैंडेटरी है। बट अगर आप ऐसा कोई कोर्स नहीं करते हो तो कॉलेज में कैजुअल कपड़े पहन के जाना, क्योंकि फॉर्मल्स कपड़े कॉलेज के वाइब के साथ मैच नहीं करते। कॉलेज में आप फॉर्मल्स कपड़े तभी पहन के जाना जब कॉलेज में या तो कोई इवेंट हो, या कोई ओकेशन हो, या कोई फंक्शन हो। अदरवाइज कॉलेज में आप कैजुअल आउटफिट करके ही जाना। जैसे अपर वेयर में आप फुल स्लीव टी शर्ट, पोलो टी शर्ट, हेलमेट टी शर्ट, वी नेक फुल स्लीव टी शर्ट और शर्ट पहन सकते हो। बट शर्ट में आप पहले चेक शर्ट प्रेफर करना, बिकॉज इसे आप एज इट इज भी पहन सकते हो और इसे जैकेट की तरह लेयरिंग करके भी पहन सकते हो। और लेयरिंग में चेक शर्ट ही ज्यादा रिच लुकिंग दिखता है एज कम्पेयर टू सॉलिड शर्ट। और बॉटम वेयर में आप जीन्स और चीनो पहन सकते हो, बट जीन्स या तो प्लेन या तो हल्का डिस्ट्रेस वाला पहनना, ज्यादा डिस्ट्रेस वाला मत पहनना। और शू में आप व्हाइट स्नीकर, कॉन्वर्स या फिर चेल्से बूट पहन सकते हो। और इन सारे ही कपड़ों की परचेजिंग लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, आप लिंक पे क्लिक कर उन्हें खरीद सकते हो। तीसरा हैक है, कॉलेज में अपने दोस्तों की तरह मत दिखना। मतलब सपोज करो आपके दोस्त ने कहा कि वो कल टी शर्ट पहन के कॉलेज आएगा, तो आप भी टी शर्ट पहन के कॉलेज मत जाना। इन शॉर्ट, जो भी आपके ग्रुप में दोस्त लोग पहने वही पहन के आप मत जाना, नहीं तो आप अपने उस फ्रेंड्स के ग्रुप में समा जाओगे, आप उनसे स्टैंड आउट नहीं करोगे, जिसके वजह से लोग आपको रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे, आपको पहचानेंगे नहीं। इसलिए अगर आप चाहते हो कि कॉलेज में लड़कियां और बाकी सारे लोग आपके बारे में ये सोच रखे कि उस ग्रुप में एक बंदा है जो बहुत स्टाइलिश, स्टैंडर्ड और अट्रैक्टिव दिखता है, अपने दोस्तों से अलग दिखता है, तो उसके लिए आपको अपने दोस्तों से डिफरेंट दिखना होगा। और डिफरेंट दिखने के लिए आप उनसे अलग कपड़े पहनो। मतलब अगर वो टी शर्ट पहन के कॉलेज जाते हैं तो आप भी टी शर्ट पहनो, बट हाफ स्लीव की जगह फुल स्लीव टी शर्ट पहन के कॉलेज जाओ। और हर दिन डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कपड़े पहनो, कभी शर्ट, कभी टी शर्ट, कभी जीन्स, कभी चीनो। इन छोटी छोटी चीजों से आप अपने दोस्तों से और अपने ग्रुप में हटके दिखोगे, और आप अट्रैक्टिव भी दिखोगे, लड़कियां और बाकी सारे लोग आपको नोटिस भी करेंगे। चौथा कॉलेज फैशन हैक है, ग्राफिक्स या डिजाइन प्रिंटेड या लिखावट प्रिंटेड वाले टी शर्ट्स मत खरीदना, क्योंकि जैसा मैंने आपको कहा कि कॉलेज फेज में हमारे पास उतना पैसा नहीं होता, हमारा बजट कम होता है। इसलिए अगर आप ग्राफिक्स, डिजाइन या लिखावट प्रिंटेड वाले टी शर्ट्स पहनोगे तो उसे आप रिपीट नहीं कर पाओगे, और अगर आप उसी टी शर्ट को रिपीट करोगे तो आपके दोस्त और बाकी लोग आपको जज करेंगे कि तेरे पास क्या एक ही टी शर्ट है, बार बार इसे ही पहनता है। इसलिए ग्राफिक्स, डिजाइन या लिखावट प्रिंटेड वाले टी शर्ट्स नहीं, बल्कि सॉलिड एक कलर वाले प्लेन टी शर्ट्स खरीदना, क्योंकि पहली बात, इसे आप एज इट इज भी पहन सकते हो और इसके ऊपर शर्ट पहन के लेयरिंग भी कर सकते हो, और दूसरी बात, इसे आप रिपीट भी करोगे, वीक में 2-3 बार भी पहनोगे तो लोग ये पता नहीं कर पाएंगे कि आपने वही टी शर्ट दोबारा पहना है, क्योंकि टी शर्ट तो प्लेन है, उस पर कुछ ऐसा दिख ही नहीं रहा है कि लोग पता कर पाए कि आपने वही टी शर्ट दोबारा पहना है, और इसकी वजह से लोग आपको जज भी नहीं कर पाएंगे और आपके दोस्त भी आपका मजाक नहीं उड़ाएंगे। बट हाँ, अगर आपको ग्राफिक टी शर्ट्स पहनने का मन है तो आप ग्राफिक टी शर्ट्स खरीदना, बट सबसे पहले प्लेन एक कलर वाले जिसमें किसी भी तरह का डिजाइन या लोगो ना हो, ऐसा टी शर्ट सबसे पहले खरीदना। फिफ्थ हैक है, प्लीज चप्पल पहन के कॉलेज मत जाना। बहुत से लड़के अक्सर जिनका कॉलेज उनके घर के पास में होता है तो वो चप्पल पहन के कॉलेज चले जाते हैं, और बहुत से लड़के लेजी होते हैं और उन्हें शूज पहनने का मन नहीं होता है, इसलिए वो चप्पल पहन के कॉलेज चले जाते हैं। बट आप ऐसा मत करना, क्योंकि कॉलेज में चप्पल, कीटो, स्लाइडर, क्रॉक्स ये सब बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। अगर आप चाहते हो कॉलेज में आपको सब रिस्पेक्ट करे, आप अट्रैक्टिव दिखो, तो कॉलेज में आप या तो व्हाइट स्नीकर या कॉन्वर्स या फिर चेल्से बूट पहन के कॉलेज जाना, क्योंकि किसी को भी इंटरेस्ट नहीं होता आपके पैर को देखने में। इसलिए चाहे आपका
कॉलेज घर के पास हो या घर के दूर, आप शू पहन के ही कॉलेज जाना। और अगर आपको शू पहनने में लेजीनेस लगता है तो आजकल तो स्लिप ऑन शूज भी मिलने लगे हैं, बस पाव डालो और पहन लो। आपको मेहनत करके शू लेस बांधने की भी जरूरत नहीं है। और शूज से रिलेटेड हमारा 6th टिप है, शो ऑफ करने के चक्कर में फर्स्ट कॉपी या फेक शूज मत पहनना। क्योंकि इस कॉलेज लाइफ में, इस कॉलेज के फेज में मैक्सिमम लड़कों को शो ऑफ करने का शौक होता है, ब्रांडेड कपड़े ब्रांडेड शू पहनने का शौक होता है, बट उतने पैसे ना होने के कारण वो फर्स्ट कॉपी सेकंड कॉपी जैसे फेक शूज खरीदते हैं अपने कॉलेज में कूल दिखने के लिए। बट आप ऐसा मत करना, क्योंकि आजकल सब इंटेलिजेंट हो चुके हैं, आजकल सबको देख के ही पता चल जाता है कि कौन सा शू फेक है और कौन सा शू ओरिजिनल है। और दूसरी बात, फर्स्ट कॉपी या सेकंड कॉपी जैसा फेक शू सिर्फ शो ऑफ करने के लिए ही होती है, बाकी पहनने में ये बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं होती अंदर से। कुछ ही देर इसे पहनने के बाद आपको अनकंफर्टेबल लगने लगेगा। इसलिए जितने पैसों में आप फर्स्ट कॉपी या सेकंड कॉपी जैसा फेक शू खरीदोगे, उतने ही पैसों में आपको रोस्टर एंड मस्ट एंड हावर जैसी वेल नोन ब्रांड की अच्छी क्वालिटी की शू मिल जाएगी, जो दिखने में भी क्लासी लगती है और पहनने में भी बहुत कंफर्टेबल होती है। 7th हैक है एक्सेसरीज से रिलेटेड। सो एक्सेसरीज में आप सबसे पहले ये ध्यान रखना कि आप एवेंजर्स प्रिंटेड, कार्टून प्रिंटेड या डेल लैपटॉप जैसा वाला बैग लेकर कॉलेज मत जाना। आई नो आप एवेंजर्स के फैन हो, बट इसका मतलब ये नहीं कि आप एवेंजर्स प्रिंटेड वाले बैग लेकर कॉलेज जाओ, क्योंकि इससे आप चाइल्डिश दिखोगे और आपको अपने कॉलेज में चाइल्डिश नहीं बल्कि स्टाइलिश और अट्रैक्टिव दिखना है। इसलिए आप या तो लेदर लुक वाले ब्लैक या ब्राउन कलर के बैग लेना, नहीं तो सॉलिड एक कलर वाले ब्लैक कलर का कैजुअल बैग लेकर कॉलेज जाना। और दूसरी चीज, हर आउटफिट के साथ वॉच जरूर पहनना, और वॉच के साथ आप या तो नेकलेस या रिंग या फिर ब्रेसलेट पहन सकते हो। और जो भी पहनना, इन तीनों में से सिर्फ एक ही पहनना, ब्रेसलेट रिंग नेकलेस इन तीनों को एक साथ मत पहनना। और तीसरी चीज, कॉलेज में हमेशा सनग्लास पहन के जाना, ये आपके आंखों को सन से प्रोटेक्ट भी करेगी और आपके फेस में एक स्ट्रक्चर भी ऐड करेगी, जिससे आप और भी ज्यादा स्टाइलिश और अट्रैक्टिव दिखोगे अपने कॉलेज में। एंड फाइनली 8th कॉलेज फैशन हैक है आपके ग्रूमिंग से रिलेटेड। क्योंकि कॉलेज में अट्रैक्टिव दिखने के लिए सिर्फ आपका आउटफिट ही काफी नहीं होता, आपको अपने ग्रूमिंग को भी ऑन पॉइंट रखना होगा। इसलिए ग्रूमिंग में सबसे पहले ये ध्यान रखना कि अगर आपकी बकरा दाढ़ी आती है, मतलब पैची बियर्ड आती है, तो क्लीन शेव रहा करना और हर 3-4 हफ्ते बाद एक फ्रेश हेयर कट लेना, जिससे आप फ्रेश दिखोगे। और दूसरी चीज ये ध्यान रखना कि कॉलेज में बहुत से लड़कों को चुल होती है अपने हेयर को डेली हेयर स्टाइलिंग प्रोडक्ट से सेट करने की, डेली अपने हेयर को हेयर वैक्स से सेट करने की, जिससे उनका हेयर स्टाइल अच्छा दिखे। बट आप ऐसा मत करना, क्योंकि अगर आप डेली अपने हेयर पे हेयर वैक्स या कोई भी हेयर स्टाइलिंग प्रोडक्ट्स लगाओगे तो आप कुछ ही महीनों में देखोगे कि आपका हेयर गायब हो चुका है, तो जब हेयर ही नहीं रहेगा तो क्या सेट करोगे। इसलिए वीक में 1-2 बार से ज्यादा किसी भी तरह का हेयर स्टाइलिंग प्रोडक्ट अपने हेयर पे मत लगाना। बाकी दिन अगर आपका हेयर स्टाइल खराब दिखे तो आप कैप पहन के रह लेना, कैप भी स्टाइलिश लगता है। और अपने ग्रूमिंग में यह तीसरा चीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आप हमेशा ध्यान रखना कि अपने कॉलेज में डेली सनस्क्रीन लगाकर जाना। क्योंकि कॉलेज लाइफ में हम अपने दोस्तों के साथ कॉलेज में इधर उधर घूमते ही रहते हैं, जिसके वजह से सन से हमारा एक्सपोजर बढ़ जाता है और इसके वजह से 90% चांस होता है आपको सनबर्न या सन टैन होने का। इसलिए अगर आप चाहते हो आपके स्किन के साथ ऐसा कोई प्रॉब्लम ना हो तो डेली सनस्क्रीन लगाकर कॉलेज जाना। और अपने ग्रूमिंग में लास्ट ये फाइनल चीज ये ध्यान रखना कि अपने साथ एक परफ्यूम जरूर कैरी करना, क्योंकि कॉलेज लाइफ में हम इधर उधर भागदौड़ करते ही रहते हैं, जिसकी वजह से हमारा पसीना निकलता है और इस पसीने की वजह से हमारे बॉडी से बदबू आती है। इसलिए कॉलेज में जाते वक्त भी परफ्यूम लगाकर कॉलेज जाना और अपने साथ एक छोटा सा परफ्यूम भी अपने बैग में कैरी करना, जिससे आप एनी टाइम अच्छे स्मेल करो और लड़कियां और लोग आपसे अट्रैक्ट हो और आपसे खुद से हंसते हंसते आकर बात करना चाहे। तो ये थे वो 8 कॉलेज फैशन हैक्स, जिसे फॉलो करके आप अपने कॉलेज के स्टड बन सकते हो। और कॉलेज के कुछ एसेंशियल्स, कपड़े, जूते और एक्सेसरीज की परचेजिंग लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप लिंक पे क्लिक कर उन्हें खरीद सकते हो। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए डार्क स्किन को अपनी कमजोरी नहीं, उसे अपना ताकत बनाओ।